चैनल वंस अगेन। सो गाइस आज मैं मेघालय से वापस दिमापुर जा रही हूँ। मैं सुबह के 9 बजे गाइस मैं बस में बैठ चुकी थी, सो शायद मुझे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3 बज जाए। गाइस मैं फिलहाल अदाबाड़ी बस जंक्शन में मैं उतर गई थी और वहाँ से मैंने पल्टन बाज़ार का बस पकड़ लिया है गाइस, और अब मैं फिलहाल बस के अंदर हूँ। गाइस मैं फिलहाल बस से उतर चुकी हूँ और अभी मैंने ऑटो ले लिया है गाइस, और मैं सीधा अभी स्टेशन जा रही हूँ अभी, और स्टेशन के पास एक मणिपुरी होटल है, वहाँ पर जाकर मैं खाना खाऊँगी। और बस पार्किंग बस स्टेशन के पास एक वो कॉम्पलर है ना, एक दिया है, देखते हैं अगर वो होते हैं तो उनसे भी एक बार मिलूंगी मैं। मैं जिस भैया के बारे में मैंने वीडियो में बोला था पहले, वो भैया तो नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर वो भैया तो गांव गया है बोला, और वो भी किसने बोला है, उनका भाई यहाँ पे बैठा है गाइस, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है वो मोची भैया का भाई है। ये मेरा एक जूता जो है ना, वो मेघालय में टिकिर किला में वो गम निकल गया था, तो इसको अभी फिक्स कर रही हूँ। तो भैया कब आ रहे हैं? 30 तारीख को आ रहे हैं। 30 तारीख को ना, अच्छा अच्छा ठीक है, आने से मिल लेगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पे मेरी इस जूती को फिक्स करूँगी, उसके बाद मैं जाकर मणिपुरी होटल में खाना खाने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ मणिपुरी होटल में खाना खाने के लिए, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये पल्टन बाज़ार के स्टेशन के ठीक पीछे की तरफ है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप लोग घूम के आना गाइस। गाइस मैं जब भी मैं गुवाहाटी में आती हूँ यहाँ बिना खाना खाए मैं नहीं जाती हूँ गाइस। तो चलिए मेरा थाली आने वाला है अभी कुछ टाइम में, आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आइटम है। सो पता नहीं, बहुत कुछ आइटम है यहाँ पर। हमारा मैतई का बॉयल है यहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, भात करेला का फ्राई है यहाँ पर, शायद पानी लाओ का सब्जी है, और यहाँ पर हमारे मैतई का इरोम्बा है, और दाल है यहाँ पर पापड़ है। मैं मीट तो खाने वाली नहीं हूँ आज गाइस, लेकिन मछली लूँगी शायद। यहाँ पर वो मछली का जो इनर्ट्स है उसका फ्राई है गाइस, यहाँ सैलड है और यहाँ पर दाल है। सो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही टेस्टी से बनाया है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मछली भी ले लिया है, तो खाना शुरू करने वाली हूँ मैं अभी। सो थाली रेडी है गाइस, अभी मैं ठूसने वाली हूँ, टेस्टिंग करूँगी मैं अभी। सो गाइस याहू लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली बहुत ही मीट खाया मैंने गाइस, पोर्क खाया, चिकन खाया, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं मीट ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, अभी बहुत गर्म है फिलहाल, तो इसलिए मैंने मछली ले लिया और बाकी सारे जो है वेजिटेरियन आइटम है गाइस। पहला बाइट बहुत ही टेस्टी था, टाइप को बॉयल मैंने मेघालय में भी खाया था गाइस, वेगन सर के घर में खाया था मैंने, बहुत टेस्टी से बना हुआ था। ऑनियन बहुत ही अच्छा है गाइस, फिश है ये पत्ता जो है गाइस मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस खाने में। फिश
का इनर्ट्स और फिश का जो मथा है ना उसका साथ मिक्स किया हुआ फ्राई है ये। फिर मैं तो उन्हें भाई ना बॉयल कर चम्बू है कांशो है बॉयल बॉयल मैंने सोचा था गाइस कि ये जो है ये जो बॉयल है तेंगा पत्ता का इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ नागालैंड में खाते हैं बाकी मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी मैंने ये असम में भी खाया था और फिर से मैं यहाँ पर फिर से दोबारा इसको खा रही हूँ गाइस गुवाहाटी में। और जब मैं मेघालय में थी मैंने ये सच्ची इस तरह से ही मैंने खाया था जो कि वेगन सा के घर में खाया था, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। पता नहीं इसका अलग ही एक अलग ही फ्लेवर है खाने का, बहुत ही टेस्टी है गाइस। तो पहला कटोरा मैंने खा लिया गाइस, पहला वाला कहा गया, पहला वाला इधर था ये खाली कर दिया गाइस को, अभी यहाँ पर ये सेकंड वाला है इसमें फिर मैं खाने पीने वाली हूँ खाने वाली हूँ। ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। गाइस सीरियसली यहाँ के खाने को मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि कितना रेटिंग देता हूँ तो मैं 10 out of 10 दूंगी गाइस सीरियसली, क्योंकि यहाँ का जो खाना है गाइस बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर आओ तो ये एक्चुअली पल्टन बाज़ार के बैक साइड में बस पार्किंग है, बस पार्किंग के बाहर एक छोटा सा गेट है गाइस, तो आप लोग अगर वहाँ से आओगे तो मणिपुरी होटल अगर आप लोग किसी को पूछोगे तो पक्का आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। और प्लीज़ आप लोग अगर आते हो यहाँ पर प्लीज़ इस होटल में आकर विज़िट करना और खाना बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी यू नो कुकिंग होता है यहाँ पर गाइस। और सीरियसली इसलिए मैं जब भी गुवाहाटी आती हूँ मैं यहाँ पर खाना मैं मिस नहीं करती हूँ गाइस। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे गाइस। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।